पेज नंबर 143. थैंक यू. विलन सिट स्ट्रेट. यू आर गिवन इन दिस क्वेश्चन टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल. हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है. एल एंड एम. सी इज अ ट्रांसवर्सल. बातों की आवाज आ रही है अभी भी बीच में? ध्रुव इसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. अब इनके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? ये वन. ठीक है, इनके इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज अ रेक्टेंगल. हमें ये शो करना है. तो एक इसका ये हो गया, इसका ये हो गया. तो ये आपका जो फिगर बन रहा है, दिस वी आर टू शो दैट दिस इज अ रेक्टेंगल. क्वेश्चन इज क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर है? हमें गिवन है एल और एम दो पैरेलल लाइंस गिवन है. उसके बाद पी ट्रांसवर्सल गिवन है. इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यू कैन सी ये चार इंटीरियर एंगल्स हमारे बन रहे हैं. इंटीरियर एंगल्स के अगर हम एंगल बाय सेक्टर्स लेते हैं तो हमें जो शो करना है कि इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो मैंने ये ब्लू वाले से हाईलाइट किया है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. हमें ये चीज शो करनी है. ठीक है, अब इसकी नेमिंग दे दो. चलिए क्या करेंगे इसमें? एक एक करके बोल लो, सारे इकट्ठे नहीं बोलो. हाँ, अगर ये हमें इनके बाइसेक्टर्स गिवन है, इट मींस ये वन और टू इक्वल हो गए, थ्री और फोर इक्वल हो गए, देन फाइव एंड सिक्स इक्वल हो गए, सेवन एंड एट इक्वल हो गए. अब हमें शो करना है. हाँ जी, हमें पूरा एंगल ए जो है इधर वाला, ये इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा? फाइव के इक्वल हो जाएगा. और इसी वे में आपका एंगल फोर किसके इक्वल हो जाएगा? सेवन के. अब ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो कौन कौन सी लाइंस आपकी पैरेलल होंगी? ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, और बी सी ए डी के. हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया. यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. क्लियर है? बाकी सॉल्यूशन आपका बुक में गिवन है, यू कैन सी फ्रॉम देयर. जस्ट कंसेप्ट समझ लो. हाँ, पैरेललोग्राम हो गया. एक्सरसाइज 12.1 से पहले एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 143. अच्छा, इट्स 8. ओके फाइन, 8.1 एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर 143 पे एग्जाम्पल 4. ओके, चलिए. ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, बी सी पैरेलल हो गया ए डी के. दोबारा देख लो ये वाला कंसेप्ट. ये फुल एंगल और ये फुल एंगल, आपको ऐसे लाइंस पैरेलल गिवन है. ये ट्रांसवर्सल थी. ये दोनों एंगल्स आपको पता है क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो इट मींस इनके अगर मैं ये बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दूं तो ये हाफ हाफ भी इक्वल हो गए. तो यहां से ये वाला हाफ टू किसके इक्वल आ गया? फाइव के. बट दीज आर अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ए बी पैरेलल हो गई सी डी के. अब सेम वे में हम दूसरा वाला पेयर ले लेंगे. दूसरे वाले पेयर में ये दोनों आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अगर आप इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस लाइंस ये वाली कौन सी हो गई? पैरेलल हो गई, यानी कि बी सी पैरेलल है ए डी के. ये पार्ट हो गया.
अब हमने शो करना है दैट इट इज अ रेक्टेंगल, और हमने एक थ्योरम की थी या एग्जाम्पल में ही किया था हमने कि इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, एंगल 4 + 5 को शो कर देंगे दिस इज 90 डिग्री. मैम के साइन करवा लो, फिर पूछ लो हरविंदर से, मम्मा के साइन करवा के मैम के साइन करवाओ, मम्मा के साइन हो तभी ना. तू तो मेरे को नहीं पता, मैम से करवा ले तू भी अगर वो करते हैं. बस मम्मा प्रिंसिपल मैम से करवा ले. ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया. नाउ वी आर टू शो दिस पार्ट. अब देखो एंगल 3 + 4 + 5 + 6 कौन सा एंगल है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के एंगल्स बन रहे हैं. लीनियर पेयर नहीं लिखना इनको, लीनियर पेयर में ओनली 2 pairs आर देयर. ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 angles हैं, तो वी कैन नॉट राइट डाउन लीनियर पेयर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल. तो एंगल 3 + 4 + 5 + 6 इज 180 डिग्री. अब 3 और 4 इक्वल है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, तो 3 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 से. हमने शो करना है 4 + 5 = 90, तो हमने 3 को रिप्लेस कर देना है 4. ऐसे ही 5 चाहिए, 6 को रिप्लेस करना है. सेम वे में यहाँ पे 5 और 6 इक्वल होंगे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है आपको, तो 6 को आप रिप्लेस कर दोगे 5 से. तो अब ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4. If one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. Clear? So this is your question. Got it? चलिए अब next पे आएंगे. Example number 5. Example 5 में this is a very important example. Show that the bisectors of the angles of a parallelogram form a rectangle. अब हमने क्या करना है, शो करना है कि एंगल bisectors जो हैं of the angles of a parallelogram that forms a rectangle. तो parallelogram draw करेंगे, उसके bisectors draw करेंगे, और जो bisectors से आपका quadrilateral बन रहा है that we are to show that it is a rectangle. Name ABCD. ये एंगल्स हैं अब इनके, यहां से हमने शो करना है कि इनके जो बाइसेक्टर्स है दे आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. एक फिगर आपकी गिवन है तो यू विल मेक इट फ्रॉम द बुक ओनली. हाँ जी, अब क्या करें, एंगल्स के बाइसेक्टर्स गिवन हैं तो हाफ इक्वल होंगे, तो क्या हुआ, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. फिर यहां से ये 1 और 2 इक्वल हो गया, और यानी कि 1 = 2 = 3 = 4. ठीक है, अब कौन से SO SDA, हाँ हाँ एक ही बात हो गई, ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, बिल्कुल ठीक है. अब हमने ट्राइंगल लिया ये वाला डी एस एंड ए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई आपने. ओके एक सेकेंड. हाँ जी
हाँ अब ये देखो पैरेललोग्राम में दीज आर को इंटीरियर एंगल्स ए और डी वाले, इनका सम कितना होगा? इनका सम 180 होगा, तो इनके हाफ का सम कितना होगा? 90, यानी कि 1+3 कितना आ गया? 90 डिग्री. अब ट्राइंगल लो डी एस ए, इसमें दो एंगल्स का सम 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल कितना आ गया? 90. ये 90 है तो ये कितना आएगा? या इसको ले लो सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 90 आ गया. सेम वे में ये वाला ट्राइंगल आप लोगे, इस वाले में भी सिमिलरली ये एंगल आपका 90 आ गया. पैरेललोग्राम नहीं हमने शो किया ना उसको, या तो पहले पैरेललोग्राम शो करो. मैंने पैरेललोग्राम नहीं शो किया, मैंने क्या किया, अपोजिट एंगल्स इक्वल एट 90 डिग्री, तो इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. ठीक है, अदरवाइज आपने अगर एक एंगल 90 कर लिया, पहले इसको पैरेललोग्राम शो करो एंड देन यू विल राइट डाउन कि एक सारे 90 कैसे, वही तो शो करना पड़ेगा ना, हम एज्यूम नहीं करेंगे खुद से, हम प्रूफ करेंगे. या तो पैरेललोग्राम के साथ 90 डिग्री शो कर दो, मैंने क्या किया ऑपोजिट एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री कर दिए, तो इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, हाँ अगर सिंगल उससे ले रहे हो, मैंने नहीं किया ना अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कर दिए, ऑपोजिट एंगल्स मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम, उसमें से भी एंगल 90 डिग्री है, तो इट इज अ रेक्टेंगल. हाँ जी, किसको? हाँ कर सकते हैं. हाँ कहाँ ये? हाँ ओके कर दिया इधर. ओके ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 हो गया. ठीक है, फिर पता नहीं वो कुछ बता रहा है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज कंसेप्ट, ताकि मैं उसको बता सकूं वो कहां गलत है. इक्वल क्यों है, हमें दिया थोड़ा हुआ है, वहां पे तो हमने इक्वल शो किया है, यहाँ तो हमने क्योंकि ये हमें एंगल बाइसेक्टर्स गिवन थे, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गए. अब एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि को इंटीरियर है, तो इनका सम 180 है. कौन सा एंगल? विच वन? हाँ ये किसके साथ बेटे? मेरे को बोल. ओके हाँ इसके साथ हो गया. ठीक है, अब मुझे ये एंगल्स इक्वल नहीं ना गिवन, अगर ये इक्वल गिवन होते तो चलो इसका हाफ और ये हाफ फिर हम कह सकते थे इक्वल हो गए. ठीक है ना, नाउ लिसन टू द कंसेप्ट वंस अगेन. हमने क्या कंसेप्ट लगाया, हमें पता है एंगल ए प्लस डी 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनके हाफ का सम भी, यानी कि मैंने क्या किया थ्रू आउट डिवाइड बाय 2, तो इनके हाफ का सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. हाफ ऑफ एंगल ए इज एंगल 3, हाफ ऑफ एंगल डी इज एंगल 1, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री. अब हमने ट्राइंगल लिया डी एस ए, ट्राइंगल डी एस ए में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एस कितना होगा? 180. इनका सम 90, तो एस कितना आ गया? 90. अब ये एस 90 आया, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया आपका. सिमिलरली, प्रूव नहीं करना दोबारा आपने, सिमिलरली दिस एंगल क्यू जो है आपका पी क्यू आर, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. और नीचे आप लिख दोगे सिंस पी क्यू आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड 90 डिग्री ईच, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, क्लियर, गॉट इट. चलिए अब नेक्स्ट वाले पे, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.
नेक्स्ट आपको गिवन है, ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल है देन आल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ये सिर्फ रिजल्ट हमने करना है, नो नीड टू डू द प्रूफ. अब एग्जांपल 6 पे आइए. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ए एंड ए बी एंड सी डी. आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है और क्या हो गया ध्रुव, व्हाई यू आर क्रिएटिंग सो सच डिस्टर्बेंस इन द क्लास, सो बिजी इन टॉकिंग ना, पता ही नहीं लग रहा मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूं. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम उसके बाद वो हमें कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. If AQ intersects DC, AQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है DC को at S and BQ intersects CP at R. AQ intersects किसको इंटरसेक्ट कर रही है, DP को at S and BQ intersects CP एट आर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू शो दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, देन डी पी बी क्यू को शो करने हाँ जी क्या करें अब. सबसे पहले मुझे क्या लेना है, ए पी सी क्यू. अब देखो ये है, मुझे इसको पैरेललोग्राम शो करना है. मुझे ए बी पैरेलल सी डी गिवन है और ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यस, तो इनके हाफ क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि ए पी सी क्यू एंड दीज आर पैरेलल आल्सो, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के. P is a point on AB and Q is a point on CD. So it means AP is parallel to CQ. दो lines अगर parallel होती हैं, तो उनके ऊपर अगर आप कोई points ले लेते हो, उनको join करने वाली lines भी आपस में क्या होती हैं, parallel होती हैं. अब AP equal to CQ, AP parallel to CQ and one pair of opposite sides equal and parallel means it is a parallelogram. ठीक है, तो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम. हाँ जी, ए क्यू और हाँ जरूरत ही नहीं है किनको. अब ये हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया, बस आपको मैंने अभी क्या बताया था रिजल्ट इससे पहले वाला, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, हमने ये इक्वल शो किया, हमने ये पैरेलल शो किया, तो इट इज अ पैरेलल. हो नहीं ना सकते, दैट्स व्हाई. ठीक है, क्लियर.
नेक्स्ट वाले में क्या गिवन है, बी पी बी क्यू, सेम सेम कंसेप्ट है। पी बी इक्वल टू डी क्यू, पी बी पैरेलल टू डी क्यू, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है दैट इज इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। देन पी एस क्यू आर, इसको हमने शो करना है दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमने ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम शो किया था, यानी कि ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी, ठीक है। अब एस पॉइंट जो है वो ए क्यू पे लाई कर रहे हैं, तो क्यू एस इज पैरेलल टू, अब हमने इनको इक्वल नहीं शो किया यहाँ, तो हम अनदर पेयर पैरेलल लेंगे, ठीक है। तो अब इधर से डी पी पैरेलल है क्यू बी के, तो इनके पी एस और क्यू आर भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब जो है ऑपोजिट साइड्स अगर एक क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होती है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ हमने थर्ड वाले पार्ट के लिए इक्वल वाला कंसेप्ट नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लगा लिया, पेयर ऑफ जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स हैं हमने उनको पैरेलल शो कर दिया बोथ पेयर्स को। ट्राइंगल्स में कैसे लोगे, कौन सा, शायद नहीं ना, शायद से नहीं होना, प्रूफ देना पड़ेगा। कैसे लोगे उनको, हाँ तो साइड्स फुल वाली इक्वल होंगी ना, हाफ नहीं इक्वल होंगी। ये वाली ए क्यू इक्वल टू पी आर होगा। अब मुझे आर और एस जो है वो सेम डिस्टेंस पे, मुझे नहीं पता कि गिवन है कि नहीं। अगर मुझे गिवन होता कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है देन वी कुड हैव टेकन। अब मुझे नहीं पता कि एस और आर का डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। लास्ट वाला देखो, हमने प्रूव किया था पहले इस वाले जो पर्पल कलर वाला था, इसको हमने पैरेललोग्राम शो किया था, इट मींस ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। फिर उसके बाद हमने ये वाला किया, ये भी लाइंस पैरेलल हो गई, ये वाली लाइंस पैरेलल का पार्ट है, ये भी पैरेलल लाइंस का पार्ट है। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं देन इट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। ये दो लाइंस ये पैरेलल हो गई, दो ये पैरेलल हो गई, तो आपका जो ये क्वाड्रिलेटरल इनसे फॉर्म होगा दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियर, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। यस, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। इधर से ना मुझे बहुत आवाज आ रही है, एक अक्षर नहीं सुन रहे आप लोग। आप साथ में पूरा रिस्पांस दे रहे हैं ना, दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग। आप रिस्पांस मत दो, अकेला कितनी देर बोलेगा वो। चारों एंगल्स आ गए। नाउ वी नो द एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। Q
किस दिन घर फोन चला गया ना, आपको पता भी नहीं लगना। जितना मेरे में पेशेंस है आप लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हो। हाँ जी, सम टोटल x12 आ गया। अब चारों एंगल पूछे हैं उसने, तो फर्स्ट एंगल आपने ऊपर नहीं लिखना, आप इसके बाद दोबारा लिखोगे। ये सेम क्वेश्चन में, लिसन नाउ केयरफुली, सेम क्वेश्चन में 156 है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे चारों एंगल्स पूछ ले, इट कैन कम इन दिस वे ऑल्सो। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलर टू एंगल्स, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। चारों एंगल्स निकालने के बाद जो कंडीशन उसने पूछी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल आंसर। क्लियर? अभी यहाँ उसने फिलहाल चारों एंगल्स पूछे थे, हमने वो लिख दिए। अगर उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो 156 और 36 का सम टोटल विल गिव द आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन